नहीं लग रहा है। अभी तो देखे ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से कोई खैरत जग है। सबसे पहले मेरे तरफ से सब मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। लेकिन मे समझ ओत पे दद खलाफ चिन मोंगर गई तम ईज दह क्या रूद रूद मे कस्मत खराब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे तरफ सारे मुसलमानों वैसे वों जी ईद मुबारक। आप क्या बोल रहे थे ओ? चलिए ईद के दिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बाकी दबाया आपके शेलो वासे क्यों आया थे ता दे दे अभी नमाज के लिए निकलते उसके बाद कुर्बानी भी करनी, बहुत सारे चीज करने हैं। तो फिलहाल आप लोग में बने रहे, निकले चलो। सब लोगों रूद चेके इसके मूड खराब किरा बारिश स्टार्ट हो गई भाई साहब, मूड गया खराब क्या है? ये क्या मतलब हर ईज दह क्या रूद पे बदकस्मती चपे रूद ऐसा मे कड़ा शरारत गोड़ मूड क्या खराब गोड़ मूड क्या खराब अच्छा गोड़ मूड क्या खराब बस ये क्या ना ये ब्रो कैन ऐसे यूत गाश कम ग गोड़ मूड क्या गई खराब बारिश की जाए ओ बारिश की जाए बारिश की जाए। तो आप खुद देखिए बारिश कितनी तेज गिर रही है। तो ईद ईद मकले ओ दोस्त या चल जन वाला जन पलो कड़ित वा शोंगो वाला। बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, ये क्या हो गया? दोस्तों आज मामाअर्थन बे के प्रोडक्ट सूझमित वो तक दोस्तों इमें हिंद बेनिफिट क्या। दोस्तों गोडनिक प्रोडक्ट मामाअर्थुक टी फ्री फेस वाश। दोस्तों इस बुथिस मज एक्सेस ऑयल रिमूव करान बे एंटी बैक्टीरियल। दोस्तों ब्रोकआउट करान तहन सिकनी मज एक्नी तो पिंपल्स। दोस्तों बे तहन सिकनी ड्राई दिवान गसना कहीं। बे दोस्तों सारी खुद इंपॉर्टेंट इस केमिकल फ्री टॉक्सिक फ्री यथ मन कह हार्मफुल केमिकल कहीं। दोस्तों वो वो तुम अमी की इंग्रेडिएंट। दोस्तों अत मन नीम यह तह सिकन करा प्योरीफाई इस तुम सिकनी मज डर्ट आसान यह खत्म करा तहन सिकनी मज बे बनाना तह सिकन असल। दोस्तों बे यहां एलोवेरा यह डीपली तह सिकन थवा मॉइस्चर बे बूस्ट करा ब्लड फ्लो तहन सिकनी हूं। दोस्तों बे यहां टी फ्री। दोस्तों अगर तहन सिकनी मज एक्नी एक्सेसिव ऑयल यह तहन सिकनी मज रिमूव करा बे तुंदिस बुथिस दिवा असल ग्लो। दोस्तों वह दबा यह कि यूज कर सिंपली। दोस्तों इतनी बाकी फेस वाश यूज करा तथे कन यह यूज कर पनिस बुथिस पे असल पे मसाज कर तक पे बुथ छलुन तक पे वो पाना दोस्तों तय कूत इम्प्रूवमेंट बसो। बे दोस्तों अथ वेरियंटस मे ब्या अमक फेस वाश टी फ्री फेस वाश इम दनवे दोस्तों। दोस्तों बे मामाअर्थ प्लांट गुड इनिशिएटिव ये तुम मामाअर्थ पे कह चीज ऑर्डर करा तुंदिस एरिया ट्री लिंक करा। दोस्तों सस पंचास तक एम अख मिलियन ट्री रूनस यह खोद मे पान इनिशिएटिव पसंद। दोस्तों वो दबा ऑर्डर कित कर लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर वेबसाइट कि दोस्तों ऑर्डर करा मोन कोड करो यूज यावर 2022 तुम मिलो 20% डिस्काउंट। तेम मजीद दोस्तों पानी एप्लीकेशन अवेलेबल एंड्रॉइड तो आईओएस में। दोस्तों फ्लिपकार्ट नायकास पर अवेलेबल सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर करो जरूर बे वो वीडियो ब्रो। घर वाले कुर्बानी की तैयारी कर रहे लेकिन बारिश ने पूरा मूड खराब कर दिया। बारिश आप देखे कितनी तेज गिर रही है। तो मैंने अपनी गाड़ी गैराज से बाहर निकाल दी क्योंकि वहां पे जगह जितनी ज्यादा होगी उतना आसान होगा कुर्बानी करना। तो अभी प्रनस भाई भी अपनी गाड़ी निकालेगा और तो प्रनस भाई ने भी गाड़ी निकाल दी। तो उसको ना काड़े ने अगर मैं तवे रिस्क नी मे वो मैं गाड़े
तो इसने भी गाड़ी बचाने की कोशिश की। इसको मैंने पहले ही बोला गाड़ी बाहर निकालो नुकसान हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई कंप्लीट। अभी अच्छे से इसको पीसेस करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है, नेबर्स को देना है, रिलेटिव्स को देना है। तो फिलहाल जब तक वो पीसेस करेंगे तब तक चाय पी लेते हैं। और आपके घर में किस किस को कुर्बानी थी कमेंट जरूर करना। अभी खुश देखे भाई, खुश क्यों अब? धूप निकली, धूप निकली। अब क्या कर रहे हो अभी? तो देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मैं भी पटाखे बहुत फोड़ता था। तो अभी कहाँ जाना है? सर्कस में। क्यों? क्योंकि हमें झूला पीने जाना है। पीना? झूला पीते नहीं, झूला पीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया, तो मैं घर पे बैठा था, सोया था, बोर हो रहा था, तो ये आया, ये बोल रहा है कि मुझे शॉल्टिंग ले जाओ, वहाँ पे कोई झूला है, कुछ सर्कस लगा है। क्यों रे, तुमने देखा वहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। तो इसके दोस्त भी है, ये खुद है, तो चलो देखते हैं क्या सर्कस है वहाँ पे। मैं भी बोर ही हो रहा था घर पे। एसी ऑन है, करो शीशा ऑन। बस तो चलिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पे तो सच में मज़ा है। वो देखो वहाँ से सर्कस लगा है, झूले लगे। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या नज़ारा है। वेट करो, देखो जल्दबाजी में देखो। ओ ये है कुछ नज़ारे माशाल्लाह। छोटे बच्चों के लिए तो अब ईद होगी यहाँ पे। ओहो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। क्या अच्छा नहीं लगा? नो नो, इस पे मैं डर गया। तू क्या, तू तो मर जाएगा। ये बोल रहा है मैं इस पे चढ़ूंगा, इस पे चढ़ने से तो मैं डरता हूँ, ये क्या चढ़ेगा। इसने बहुत ज्यादा जिद कर ली, अब मैंने इसको अपना दोस्त साथ दिया। भाई ये बहुत ही जिद्दी है, मैंने बोला इस पे मत चढ़ो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब अंदर गए। जब मैं खुद चढ़ा था सर्कस में तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था। इन दो को मैंने बोला यही बैठो, ये पागल है, मुझे पता है इसको डर लग जाएगा। देखते हैं, मैंने इसको दो साथ दिया। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. बाल यारों के बदले डर लग रहा है। वो चढ़ा दोस्त के साथ, वो उस वाले में आगे वाले सीट में चढ़ा। या अल्लाह या अल्लाह रहम। वो है वो। ओ इसको बहुत बड़ा जिगरा है यार। मैं दिखाता हूँ आपको किस वाले में। ये वो देखो हंस रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। ओ भाई साहब वो देखो, वो देखो। चलो ऑल द बेस्ट। And your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you spark chemical reaction. डर नहीं लग रहा है? भूत है। ओ तू इंसान है कि हैवान? भूत है, भूत। सुला, खाचा अंचनाइत। ओ ता हुआ, क्रिया की तमाच। तो मैं हॉन्टेड हाउस में जा रहा हूँ, देखते अंदर क्या होता है। मैं फोन साथ लूंगा। बोल रहे अंदर बहुत ज्यादा डराते हैं, देखते क्या होता है अंदर। अभी तो देखे ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। क्यों भाई साहब? तो चले अभी हम अंदर जाते और देखते कि भूतनी कैसी है। तो अभी भूतनी देखते हैं कैसी भूतनी है यहाँ पे। ओ भाई साहब ये क्यों है बोटा तुझ। चलो 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 च
गर्मी क्या है तो कैसा मजा लगा भाई? अच्छा। मुझे लगा तू डर जाएगा लेकिन तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुझे क्यों नहीं डर लगा? ओ एक्चुअली मैं अगर अपनी बात बताऊं, अगर मैं हाइट पे ज्यादा चढ़ता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं लास्ट टाइम नुमोशी में झूले पे चढ़ा था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। मुझे लगा इसको भी डर लग जाएगा लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने कुछ वो हॉन्टेड हाउस बनाया था वहाँ पे, डरा रहे थे लेकिन वहाँ पे मैं नहीं डरा, ये वहाँ पे भी डर गया। तो अभी कितना टाइम आया? तो अभी बज गए ढाई, तो यहाँ पे 7 बजे आना था हमें, हम जल्दी आ गए। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो अभी निकले घर, हालत खराब हो गई भाई। तो दोस्तों जो लास्ट शॉट आपने व्लॉग में देखा जब मैं वालियारों के साथ सर्कस गया था, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं बहुत ज्यादा थक गया था। उसके बाद मैं घर आया, सोया, सोने के बाद मैं उठा, व्लॉग नहीं किया मैंने, जो कुर्बानी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो काम भी खत्म कर लिया। उसके बाद कुछ खास नहीं रहा, मैं घर में ही था, मैच देख रहा था और घर के काम कर रहा था। मैंने सोचा अब व्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो और कुछ खास नहीं रहा आज, जितना भी था आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। अभी टाइम पता कितना आ रहा है दिखाता हूँ, अभी टाइम आ रहा है शाम के 9:13। और दोस्तों जो मेरा नया सॉन्ग है वो मैंने अपलोड कर लिया है, अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो प्लीज चेकआउट करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो सर्च करना यावर वानी, वहां पे मैंने सॉन्ग अपलोड कर लिया है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्यार देना। तो आप लोगों की ईद कैसी रही पहला दिन कमेंट जरूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। म्यासन्यो चोन मोहब्बत यारहो जिंदगानी गोम करते।